नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहां पर देखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना जियोग्राफी का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने देखा था, अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से देखने वाले हैं आपकी यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो, मैंने कल पढ़ाया था। और अब ये सेकंड हो जाता है आज। फर्स्ट यूनिट के दो ही क्वेश्चन देने वाला हूं, लॉन्ग में दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, या दोनों भी मिल सकते हैं आपके लिए। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है क्या। और एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं, जब कभी आप कॉपी लिखो तो उसमें हेडिंग पर ज्यादा फोकस देना, अगर हेडिंग सही नहीं है तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग पर ज्यादा फोकस देना है। बात करते हैं प्रश्न सेकंड, कह रहा है ब्रह्मांड या सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं व सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिएगा। मतलब जो परिकल्पनाएं हैं ब्रह्मांड या फिर सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित या फिर जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले हम क्या करेंगे भाई, कॉपी में हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, ये हमारी हो गई कॉपी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक लाइन हमने करी यहाँ पर और एक लाइन तो ऊपर कर दी, ठीक है। बीच में हमने क्या कर दिया, यूनिट नंबर वन या फिर कर सकते हैं खंड, खंड होगा आपने हुआ, ठीक है। खंड का के या फिर यूनिट नंबर वन के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर वन का या फिर दो का उत्तर, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहां लिखना है कॉपी में उत्तर, क्या उत्तर, जैसे इस प्रकार से उत्तर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तर हमने कहां लिख दिया, उत्तर लिख दिया भाई यहां पर। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, हेडिंग। क्या हेडिंग डालेंगे, यहां पर हेडिंग है नहीं मगर हम हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं ब्रह्मांड और ब्रह्मांड या सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना। तो हम क्या डालेंगे यहां पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां डालेंगे, यहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में डालेंगे, सॉरी यहां पर ब्रह्मांड लिख देंगे, सिर्फ ब्रह्मांड लिखेंगे, ठीक है। यहां पर यह सौर मंडल लिख सकते हो, सिर्फ सौर मंडल लिख दो, ठीक है, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल, सौर मंडल में लिख दिया, सबसे पहले हेडिंग डाल दी सौर मंडल, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा डिटेल लिखें, सौर मंडल की बात हो रही है तो सौर मंडल का कुछ ना कुछ तो आप लिखोगे सबसे पहले, बिल्कुल, तो बेसिक ही लिख रहे हैं यहां पर जो दे रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं बेसिक क्या दे रखा है, इसको आप देख सकते हो, जैसे बेसिक है उत्तर में, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, बिल्कुल सही है भाई, सौर मंडल के बारे में यहां पर बात हो रही है। कह रहा है पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक ग्रह है जिसकी उत्पत्ति सौर परिवार के अन्य ग्रहों, सौर परिवार के अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों के साथ हुई है। तो इसका मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी और भी ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे, साथ साथ, वही बात यहां पर कही जा रही है। बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार और कब हुई, इसके संबंध में पौराणिक ग्रंथों में अनेक बार उल्लेख हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है इसके बारे में पौराणिक ग्रंथों में बहुत बार उल्लेख देखने को मिला है, ये बात यहां पर हुई है। कह रहा है परंतु आधुनिक समय में वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी या सौर परिवार की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं या सिद्धांत 18वीं सदी में आना प्रारंभ हुए हैं। मतलब जो परिकल्पनाएं आई हैं, सिद्धांत जो आए हैं वो कब आए हैं, 18वीं सदी में आना प्रारंभ हुए हैं, ठीक है। बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम। बात करते हैं विद्वानों एवं अंतरिक्ष विषय विशेषज्ञों में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर पर्याप्त वैचारिक मतभेद रहे हैं। मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अभी तक उनमें क्या है, मतभेद रहे हैं। फिर देखा है सामान्यतः सौर मंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराओं परिकल्पनाओं एवं सिद्धांतों की मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसे कितने वर्गों में रखा गया है, दो वर्गों में रखा गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं या फिर सिद्धांतों के लिए। कौन कौन सी हो जाती हैं, हमने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, उत्पत्ति के बारे में। हम सौर मंडल उत्पत्ति लिख सकते थे वहां पर हेडिंग पर, ठीक है। बात करते हैं, हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हेडिंग नहीं डालोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट किस प्रकार से दो प्रकार से परिकल्पनाएं दी गई। पहला हो जाता है एक तारक परिकल्पना, हेडिंग डालेंगे, यहां देखो आ लिख दिया, आगे लिख दिया एक तारक परिकल्पना, हेडिंग हमारी बढ़ गई। आप देखेंगे आगे की ओर, कह रहा है इस वर्ग में समस्त परिकल्पनाएं या फिर सिद्धांत आते हैं,
जिनमें पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे के द्वारा मानी जाती है, जिसमें कुछ कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। तो आपको कितने नाम याद होने चाहिए? आपको यहां पर दो नाम तो लिखना ही पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम दो नाम तो आपको लिखने पड़ेंगे। आपको पांच नाम दिए जा रहे हैं, दो नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक तारक परिक्रमा किसे कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानी जाती है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से मानी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम भाई, एक तारक परिक्रमा के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे रखा है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से द्वारा मानी जाती है, तो वहां पर क्या होती है, एक तारक परिकल्पनाएं होती हैं। एक तारक परिकल्पनाएं जो हो जाती हैं वह कौन कौन सी है, इनको आप देख सकते हो। आपको दो तो याद होना पड़ेगा, ठीक है, दो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला हो जाता है बफन की परिकल्पना, कौन सी, बफन की परिकल्पना। सेकंड देखो, सेकंड आता है काट की व्यव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। आगे देखिएगा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, बहुत पूछी आती है एग्जाम में भी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और दे रखा है तुम्हारा रोसे की परिकल्पना, किसकी, रोसे की परिकल्पना। और हो जाती है अपनी लौकी की परिकल्पना। तो आपको दो के तो नाम याद करने पड़ेंगे, जब एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, दो के नाम लिखना पड़ेंगे। अब देखते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे अपना हो जाता है, ये हो जाता है बा, हमने हेडिंग कौन सी डाली, बा, क्योंकि दो प्रकार से परिकल्पनाएं दी गई थी, एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना। इस वर्ग में क्या हुआ, द्वितारक परिकल्पना किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। इस वर्ग में उन परिकल्पनाओं या सिद्धांतों का सम्मिलित या जाता है जिनमें सौर परिवार या पृथ्वी की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों के आधार पर माना गया है। अगर एक तारे से उत्पत्ति मानी गई है, परिकल्पना दी गई है, तो उसे क्या कहेंगे, एक तारक परिकल्पना। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से मानी गई है, तो उसे क्या कहेंगे, द्वितारक परिकल्पना, परिकल्पना कहेंगे। अब द्वितारक परिकल्पना कौन कौन सी हो जाती है, इनको भी आपको याद करना पड़ेगा, दो यहां पर भी आपको नाम याद करना पड़ेंगे, ठीक है, दो नाम भाई यहां पर भी आपको याद करना पड़ेंगे। तो बात करते हैं, पहला हो जाता है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, इसके बारे में हम थ्योरी देखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं जेम्स जीन्स और जैम्फ्रे की ज्वारीय परिकल्पना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात करते हैं आगे, रसेल तथा लिटिलटन की द्वितारक परिकल्पना हो जाती है। आगे हो जाता है होयल तथा लिटिलटन की नवतारक परिकल्पना हो जाती है, और ऑटो स्मिड की ग्रहाणु परिकल्पना हो जाती है, और आधुनिक सिद्धांत भी यहां पर हो जाते हैं। तो छह में से आपको सिर्फ दो याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो बस यही याद कर लेना, चैम्बरलिन वाली और जेम्स और जैम्फ्रे वाली, ठीक है, जो हम अभी देखेंगे थ्योरी इसके बारे में। तो बात करते हैं कुछ परिकल्पनाओं के बारे में, हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एक तारक परिकल्पना कौन सी है। एक तारक परिकल्पना जो एग्जाम में बहुत पूछी आती है, कभी कभी आपको क्या करेगा, ये तो लॉन्ग में है, शॉर्ट में आपको दे देगा, ठीक है, शॉर्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन देगा आपके लिए। तो बात करते हैं, पहला हो जाएगी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, किसकी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जो एक तारक परिकल्पना थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैंने हेडिंग डाल दी कौन सी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलो भाई, तो बात करते हैं ये थे कहाँ के, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और थे कौन, ये एक गणितज्ञ थे, ये एक गणितज्ञ थे। इन्होंने 1976 में अपनी पुस्तक, पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना किसमें बनेगी भाई, ये एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लोशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, जो एक्सप्लोशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम है, ये बुक जो है वो किसकी है, तो आपको याद होना चाहिए किसकी है भाई, लाप्लास की हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। बात करते हैं एक्सप्लोशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में निहारिका सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। फिर कह रहा है इन्होंने काट की परिकल्पना के मुख्य दोषों के संशोधन करते हुए, इनके जो काट की परिकल्पना थी उनमें बहुत सारे दोष थी, त्रुटियां थी, तो उनका यहां पर संशोधन या फिर उनका दोष का संशोधन करते हुए सौर परिवार की उत्पत्ति एक विशाल, सौर परिवार की उत्पत्ति इनके अनुसार किससे हुई, तो इनके अनुसार हुई है एक विशाल उष्ण, मतलब क्या होता है उष्ण, मतलब ऊष्मा की तरह और बहुत गर्म है ना, मतलब गर्म की मतलब उष्ण, मतलब गर्म, ठीक है, विशाल तथा गर्म तथा
गैसीय निहारिका से मानी है। किससे मानी है भाई? गैसीय निहारिका से। कैसी है? बहुत विशाल है, सौर मंडल की बराबर जितना हमारा सौर मंडल था। इतनी बड़ी थी, उष्म थी मतलब गर्म थी, और कैसी थी? गैसीय निहारिका से इन्होंने मानी है। ठीक है, क्योंकि एक तारक परिकल्पना है तो एक ही यहां पर ले रखा है, सिर्फ क्या? निहारिका। निहारिका मानी है, वो कैसी है? विशाल है और उष्ण है मतलब गर्म है। ठीक है, बात करते हैं इस निहारिका का व्यास सौर परिवार के। मैंने बताया था ना, जितना सौर परिवार है, जितना हमारा जो ब्रह्मांड है मतलब सौर मंडल है, मतलब सौर परिवार के कुल विस्तार के जितना था। मतलब इसका विस्तार कितना था? जितना सौर मंडल है इतना इसका विस्तार था इस निहारिका का। ठीक है, आगे देखिएगा, तो यहां तक आराम से लिख सकते हो आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखा यह निहारिका तेजी से अपनी धुरी पर घूम रही थी। अब ये निहारिका कोई मान लेते हैं, ये कोई निहारिका है मतलब गोल। ठीक है, ये ब्रह्मांड है हमारा, कैसा है? गोल ही तो है, तो ब्रह्मांड मतलब यहां पर मान लेते हैं ये हमारी हो जाती है निहारिका। निहारिका कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में भाई? गैसीय अवस्था में हो जाती है निहारिका, जो कहां घूम रही है? अपनी धुरी पर। धुरी या तो ये होती है या ये होती है या ये होती है, ये ध्रुव होते हैं, तो धुरी मान लेते हैं ये वाली। ये अपनी धुरी पर क्या हो रही है? राउंड हो रही है, घूम रही थी। तीव्र गति से घूर्णन के कारण विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा, विकिरण मतलब इसका फैलाव है ना, विकिरण मतलब क्या होगा? इसका फैलाव। विकिरण द्वारा उसके ताप में ह्रास होने लगा। एक बात बताइएगा, एक कोई पृथ्वी है, मान लेते हैं कोई बड़ी चीज है गैस अवस्था में और वो घूम रही है ना, उसका विकिरण मतलब फैलाव काफी होगा। फैलाव काफी है, वो घूम रही तो क्या होगी? ठंडी होगी ना बाहर से। बिल्कुल वही बात कह रहा है, उसका कह रहा है ताप का ह्रास होने लगा। जब ये घूमेगी तो ये जो अक्ष होंगे है ना, मतलब ये जो बाहरी सतह होगी, जब घूमेगी तो बाहरी सतह ठंडी होगी ना, तो वही कह रहा है ताप का ह्रास होने लगा। इसमें ताप का ह्रास होने लगा मतलब कमी आने लगी, ठंडा होने लगी, मतलब ये निहारिका है वो ठंडी होने लगी। ठीक है, फिर कह रहा है जिससे निहारिका का बाहरी भाग शीतल होने लगा। अब भाई अंदर का भाग थोड़ी शीतल होगा, होगा तो बाहरी भाग जो उसकी सतह होगी, क्योंकि घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, तो सतह क्या होने लगी भाई? शीतल होने लगा। कह रहा है शीतल होने के साथ ही उसमें संकुचन भी होने लगा। अब आप जानते हो कोई लोहा है बहुत बड़ा, अगर उसे हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाए? फैलाव हो जाता है, और शीतल करेंगे तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना, ठंडा करते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ता है। तो वही बात कह रहा है, शीतल होने के साथ इसमें संकुचन होने लगा, मतलब ये सिकुड़ने लगी, ये छोटी होने लगी। क्या होने लगी भाई? ये छोटी होने लगी, पहले इतनी बड़ी थी अब छोटी होने लगी। ठीक है, संकुचन होने लगा, संकुचन के कारण निहारिका में आयतन तथा आकार में क्या आएगी भाई? फिर कमी आने लगी। फिर क्या हो गई? जब ठंडा होने लगा तो निहारिका छोटी हो गई, उसके आयतन और आकार में कमी आने लगी। फिर कह रहा है आकार घटने से गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। एक बात आएगा, ठोस चीज होगी और राउंड में घूम रही है तो क्या होगी? उसकी गति बढ़ जाएगी। वही बात यहां पर कहा जा रहा है, कह रहा है आकार घटने से गति में निरंतर वृद्धि होने लगी, निरंतर वृद्धि होने लगी, वह तेजी से घूमने लगा और भारी हो गया तब। ठीक है, तथा तीव्र गति के कारण अपकेंद्रीय बल में, अपकेंद्र बल कहां लगता है? बाहर की ओर। अपकेंद्र बल कहां लगेगा? बाहर की ओर। अभिकेंद्र बल कहां लगता है? अंदर की ओर। तो वो कह रहा है अपकेंद्र बल में भी वृद्धि होने लगी। जब ये तेजी से घूमेगा तो बाहर की ओर क्या होगी भाई? वृद्धि होगी। तो अपकेंद्र बल जो लग रहा था, अपकेंद्र बल जो लग रहा था, उसमें क्या होने लगी भाई? ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि होने लगी। फिर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के तुल्य जाने के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो अंदर की ओर लग रहा था और जो अपकेंद्र बल है जो बाहर की ओर लग रहा था, तुल्य हो जाने के कारण निहारिका के मध्य भाग में पदार्थ तुल्य, सॉरी तुल्य की बात कर रहा है, तुल्य मतलब तोलना है ना, भारी पल, यही वह कह रहा है, भारी हल्का तुल्य, तुल्य हो जाने के कारण मध्य भाग में पदार्थ भारहीन होने, भारहीन हो गया। मतलब जो बाहर का सतह था, बाहर की सतह जब ये तुल्य होगा तो कहां जाएगा? अंदर की ओर मतलब मध्य की ओर। फिर क्या होने लगा? जो भारी पदार्थ थे वो इकट्ठे होने लगे, कहां? मध्य में, मतलब मध्य भाग में पदार्थ भारहीन हो गया। मध्य में क्या हो गया? देखो ठोस हो गया, भारहीन हो गया। ठीक है, तथा जो बलय के रूप में यह भारहीन पदार्थ, बलय के रूप में यह भारहीन पदार्थ जो था वो निहारिका से पृथक होकर, भारहीन पदार्थ, रुकिएगा,
गुरुत्वाकर्षण तुल्य हो जाने के कारण मध्य भाग में पदार्थ, मध्य भाग में क्या पहुंच गए, मध्य भाग में पहुंच गए पदार्थ, तथा भारहीन, भारहीन की बात कर रहा है, भारहीन मतलब भार में कमी आ गई, भारहीन हो जाने पर जो बलय था, बलय के रूप में एक भारहीन पदार्थ निहारिका से पृथक होकर उसकी परिक्रमा करने लगा। अब ये अंदर तो पहुंच गए ठोस वाले, अब ये तेजी से बहुत तेजी से घूम रहा था, तो क्या हुआ इसमें जो बाहरी जो परत, बाहरी जो रह गए हल्के हल्के पदार्थ, इनसे क्या हुआ ग्रहों का निर्माण होने लगा। क्या होने लगा भाई, इनसे जगह बे जगह ग्रहों का निर्माण होने लगा और ये बाहर की ओर जाने लगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं देखो यहां कह रहा है पृथक होकर मतलब उससे अलग होकर ये जो ग्रह थे, ठीक है हल्की निहारिका वाले जो ग्रह थे, क्योंकि भारहीन पदार्थ तो बीच में पहुंच गया और जो हल्के थे वो कहां हो गए बाहर की ओर, पृथक होकर उसकी परिक्रमा करने लगा। अब ये भारहीन जो ग्रह होने लगे ये क्या करने लगे, इसकी परिक्रमा करने लगे। शेष भारहीन क्रमशः संकुचित क्या कह रहा है सिकुड़ती गई, शेष निहारिका क्रमशः सिकुड़ती गई। अब देखेंगे हम आगे की ओर, ठीक है यहां अभी आपको देखने को मिलेगा चित्र भी देखने को मिलेगा, वो हम आगे की ओर देखेंगे कहां हो गया। हाँ यहां पर थे शेष निहारिका क्रमशः सिकुड़ती गई। अब जो शेष निहारिका थी देखो भारहीन निहारिका तो यहां पर आ गई, जो भारहीन पदार्थ थे, शेषहीन निहारिका क्या बची, शेषहीन निहारिका ये वाली हो जाती है। ठीक है शेषहीन निहारिका क्रमशः सिकुड़ती गई, अब ये क्या हो रही है निहारिका सिकुड़ रही है, निहारिका क्या हो रही है जगह बे जगह सिकुड़ रही है। ठीक है और कह रहा है सिकुड़ती गई तथा चपटे बलियों का निर्माण होता गया, कुछ यहां पर निर्माण हुआ, कुछ यहां पर निर्माण हुआ, कुछ यहां हुए, कुछ यहां हुए, कुछ यहां हुए, इन चपटे बलियों का निर्माण होता गया। फिर देखा है विभिन्न विभिन्न बलय कालांतर में घनीभूत होकर ग्रह बने। अब यही क्या होंगे, ये भी अपने अक्ष पे घूमते होंगे है ना, क्योंकि निहारिका है, जब ये घूमेंगे तो क्या होंगे अपने आप में एक ग्रह का निर्माण जगह बे जगह कर लेंगे, और ये यहां से तेजी से घूम रहे हैं तो बाहर की ओर जाएंगे क्योंकि आप केंद्र बल लग रहा था, तभी तो क्या हो रहे हैं निहारिका संकुचित होती गई और चपटे बलयों का निर्माण होता गया, विभिन्न बलय कालांतर में घनीभूत होकर ग्रह बने। निहारिका का शेष भाग सूर्य है, निहारिका का जो शेष भाग है वो सूर्य है, इसी प्रकार ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति होने लगी। और ये जो ग्रह होंगे ये बने होंगे ग्रह, ग्रह भी घूमते होंगे, इनसे उपग्रह की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है इस प्रकार से यहां पर दिया गया। अब यहां पर चित्र के अनुसार भी देख लेते हैं, सॉरी क्या करेंगे चित्र के अनुसार भी हम इसे देख लेते हैं। ठीक है चित्र देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में दर्शाया गया है जो निहारिका थी, पहले निहारिका थी पूरी, ये भारहीन पदार्थ उस समय नहीं था, तब ये घूम रही थी, तो निहारिका का जो भारहीन पदार्थ है वो कहाँ आ गया बीच में इकट्ठा हो गया, और जो हल्के थे सॉरी भार वाले पदार्थ थे वो कहाँ गए निहारिका में, और जो भारहीन पदार्थ है मतलब हल्के पदार्थ थे वो कहाँ गए, ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में आप देखोगे तो क्या हो रहा है निहारिका, निहारिका देखो पृथक हो रही है, निहारिका पदार्थों से पृथक हो रही है, जो निहारिका बीच में आ गई और जो हल्के पदार्थ थे भारहीन पदार्थ थे वो क्या हो गए इससे पृथक होने लगे, ये देखिएगा इससे पृथक हो रहे हैं, यहां पर ये देखो खाली जगह आ गई है ना, और ये पृथक हो गया। आगे देखो थर्ड वाले में क्या दर्शाया गया है, थर्ड वाले में आपको दर्शाया गया है कि परत का ग्रह में परिवर्तन। देखो यहां पर जो निहारिका थी पूरी भारहीन वाली वो क्या हो गया ग्रह बन गया, यहां भी कुछ ग्रह बना होगा, यहां भी ग्रह बना होगा, यहां भी ग्रह बना होगा, कुछ अंदर की ओर बने होंगे, कुछ बाहर की ओर बने होंगे, कुछ अंदर, कुछ अंदर, कुछ अंदर, इस प्रकार से बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है ये यहां पर दर्शाया गया है। फिर जो ग्रह थे, ग्रह जो निहारिका है, जो ये ग्रह बना है, जो ग्रह बना है ये वाला, ये ग्रह से क्या हुआ, फिर ये निहारिका ही तो है ग्रह, अब इससे क्या हुआ उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है ये भी अलग हुआ होगा, फिर इससे उपग्रह का निर्माण हुआ, इसी प्रकार से ग्रह से उपग्रह, उपग्रह से उपग्रह का निर्माण होता रहा। ठीक है तो यह यहां पर दर्शाया गया। अब देखते हैं इसकी कुछ आलोचनाएं, मतलब इसमें कुछ कमियां होंगी, कमियां तो होना ही होना है क्योंकि ये एक प्रकार से मनगढ़ंत चीजें हैं, तो भैया मनगढ़ंत चीजें यहां पर दी गई क्योंकि बता रखा है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चल पाया है कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब इनकी देख लेते हैं आलोचनाओं के लिए। ठीक है तो आलोचना देख सकते हो आप कौन कौन सी हो जाती हैं। देखा है चूंकि लाप्लास एक गणितज्ञ थे अतः इन्होंने ग्रहों की रचना तथा गति संबंधी तथ्यों जैसे कि ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा, सूर्य तथा ग्रहों का एक ही दिशा में घूर्णन,
सूर्य तथा ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं क्या सभी? बिल्कुल नहीं, शनि अलग घूमता है, बृहस्पति अलग घूमता है ना। इस प्रकार से हम अभी आगे देखेंगे आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सूर्य तथा ग्रहों का एक ही दिशा में घूर्णन उष्ण गैसीय निहारिका के माध्यम से पृथ्वी की भी उष्ण तथा गैसीय होकर क्रमशः तरल बा फिर ठोस हो आदि पर विशेष ध्यान दिया, परंतु किसमें कमी दी गई? लाप्लास की परिकल्पना की भी पर्याप्त आलोचना की गई, उसकी बहुत सारी निंदा की गई। अब कौन कौन सी निंदा है इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इतना आपको लिखना पड़ेगा, आलोचना उन्हें कौन सी अच्छी बातें बताई फिर भी आलोचना की गई है ना, यही तो है। यहां आलोचना डाली हमने, हेडिंग हमने हेडिंग कौन सी डाली, हेडिंग डाली आलोचना। उनकी आलोचना की कुछ जो अच्छी बातें थी पहले हमने वो लिख दी, उसके बाद में क्या कहा गया देखो बाद में कि आदि विशेष ध्यान इन्होंने दिया, इन्होंने किस किस बात पर ध्यान दिया वो यहां पर लिख दिया, परंतु लाप्लास की परिकल्पना की भी पर्याप्त आलोचना की गई। तो मतलब किस किस पर ध्यान दिया वो ऊपर लिख दो, उसके बाद आलोचना दे दो, फिर यथा इस प्रकार से हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिए कौन कौन सी इनकी हो जाती हैं क्या कमियां, आलोचना कौन कौन सी। पहली आलोचना हो जाती है इस परिकल्पना में ग्रहों तथा सूर्य के अक्षों के मध्य 6 डिग्री कोण को व्याख्या नहीं दी गई, क्योंकि 6 डिग्री कोण बनता है मगर उन्होंने 6 डिग्री के बारे में नहीं बताया, क्योंकि निहारिका से निर्माण हो रहा था, क्या पता कोई यहां हुआ कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, मगर 6 डिग्री की कोई बात यहां पर नहीं की गई। तो ये यहां पर एक निंदा हो जाती है। अगले आलोचना हो जाती है अपनी कि अरुण इसे कहते हैं यूरेनस, देखो अब यहां पर अरुण है यूरेनस ग्रह जो हो जाता है तथा बृहस्पति और जो शनि है के कुछ उपग्रह विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, मगर इन्होंने क्या बताया इस प्रकार से घूम रही है निहारिका, तो ग्रह भी कैसे ही घूम रहे हैं, ग्रह भी ऐसे ही घूमेंगे और ग्रह से उपग्रह बनेंगे वो भी ऐसे ही घूमेंगे, सबकी एक ही दिशा इन्होंने बता दी। मगर यहां पर देखें तो यूरेनस मतलब अरुण जो होता है, बृहस्पति होता है, शनि जो होते हैं और कुछ ग्रह होंगे वो क्या होते हैं विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। तो यहां पर एक आलोचना ये देखने को इनकी मिली, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वाला, गैसीय बलियों का घनीभूत होकर ग्रह बनना संभव नहीं है। अब ये गैस हैं, गैसों का ग्रह बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, गैसों का घनीभूत होकर ग्रह नहीं बन सकता है। यह भी एक निंदा हो जाती है कि गैसीय बलों का घनीभूत होकर ग्रह बनना संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो हम भी अपना कृत्रिम ग्रह बना सकते हैं, है ना, ऐसा है तो हम भी अपना कृत्रिम ग्रह बना सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, तो ये एक निंदा हो जाती है। आगे की बात करते हैं, निहारिका के शेष भाग सूर्य की गति अब बहुत अधिक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले क्या था बहुत गर्म था सूर्य, सूर्य पहले क्या था गर्म था, अब जैसे आप देख रहे हो कि ये कैसा होता जा रहा है, इसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। आपने पढ़ा होगा ना ये कुछ मिलियन वर्षों में मतलब क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर इसकी गति मतलब कह सकते हैं इसकी जो ऊर्जा है वो कम होती जा रही है, ताप कम होता जा रहा है, तो सूर्य की गति बहुत तेजी से, अब पहले इतनी तेज थी तो ठंडे होने पर क्या हो रही है तेज हो रही है, तो अब तो बहुत तेज हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा हमने अभी तक न्यूज में नहीं सुना है। तो यहां पर एक ये कमी हो जाती है, ठीक है। आगे की देखते हैं, फाइव बार देखो सिर्फ आपको कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है, 4 आलोचनाएं कर दो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, देखो यहां पर हम देख लिया, 5वीं की देखते हैं। यदि निहारिका का ब्यास सौर परिवार के फैलाव के समान मान लिया जाए, अगर निहारिका का ब्यास जितना सौर परिवार था, जितना कि यह सौर परिवार है, इसकी बराबर मान लिया जाए तो घूर्णन गति कम होनी चाहिए थी। अब यहां पर एक अक्ष पर कोई चीज घूम रही है तो गति कैसे होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, मगर कम नहीं हुई। कह रहा है गति कम होने पर बलियों का अलग होना संभव नहीं था, अगर गति कम होती तो बलियों का अलग होना संभव नहीं था और ग्रह नहीं बन पाते, वही बात यहां पर कही गई है, ठीक है। बात करते हैं 6ठी आलोचना को देखते हैं, 6ठी आलोचना क्या हो जाती है इसको देखिएगा, देख रहा है ना, बिल्कुल 6ठी आलोचना की बात करते हैं। यह कह रहा है 9 ग्रहों के निर्माण के पश्चात सूर्य से ग्रहों का निर्माण क्यों बंद हो गया, क्या 9 ही ग्रह बनने थे, क्या 9 ही ग्रह बनने थे, अब क्या वह घूम नहीं रहा है, जब वह घूम रहा है तो अब भी क्या होना चाहिए था, और भी ग्रह बनते रहते, है ना, अब भी ग्रह बनते रहते, निहारिका तो घूम ही रही है, सूर्य तो घूम ही रहा है, उससे अब भी ग्रहों का निर्माण
चालू होना चाहिए था मगर ऐसा नहीं पाया गया, तो ये भी क्या है, एक इनकी आलोचना हो जाती। 6 आलोचना है, आपको 4 याद करनी है बस, ठीक है। तो आप आराम से अब लिख सकते हो, आपने एक बार पढ़ लिया तो। अब देखते हैं चित्र, जैसे लाप्लास की निहारिका परिपथ सिद्धांत देख लिया, चित्र के अनुसार भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड वालों की, जो हो जाती है किसकी, सेकेंड, यहां पर सेकेंड है, ठीक है। चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना को हम देखने वाले हैं, किसके, चैम्बरलिन और मोल्टन की, चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना क्या होती है, यह आपके अलग से क्वेश्चन बन सकता है। पहला था लाप्लास की परिकल्पना, अब चैम्बरलिन की हो जाएगी, ठीक है। 3 परिकल्पनाएं देखने वाले हैं यहां पर, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो यहां पर देखेंगे चैम्बरलिन तथा मोल्टन, चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में, उसमें क्या दिया गया, निहारिका। और चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना कैसी है, यह द्वितारक परिकल्पना है। कैसी, द्वितारक परिकल्पना है, क्योंकि जो जो कौन था, जो लाप्लास था, उसने सिर्फ एक निहारिका से क्या किया, ग्रहों का निर्माण कर दिया, क्योंकि एक निहारिका की बात हुई थी, पूरे ब्रह्मांड की बराबर थी, तो कैसी हो जाएगी, एक तारक परिकल्पना। अब यहां पर जो देखेंगे चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, यहां पर दो तार यहां पर भूमिका निभाएंगे, कितने, दो तारे होंगे और एक दूसरे से कुछ ना कुछ करेंगे, और क्या करेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखते हैं, मतलब पृथ्वी का निर्माण करेंगे और भी ग्रहों का निर्माण करेंगे, ठीक है, सौर मंडल का। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, ठीक है। फर्स्ट देखा है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, तो बात करते हैं अमेरिकन वैज्ञानिक टी सी चैम्बरलिन, कहां के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो अमेरिकन वैज्ञानिक टी सी चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1904 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना, कौन सी, 1904 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने निहारिका परिकल्पना संबंधी दोषों को दूर किया और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में एक नई परिकल्पना दी। इन्होंने कुछ दोष जो बताए थे लाप्लास ने, या फिर निहारिका परिकल्पना जो होती है लाप्लास की, उसके कुछ संबंधित दोष जो थे उनको इन्होंने दूर किया, ठीक है, प्रतिपादित किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय तारा, ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय जो तारा था वो सूर्य के काफी निकट से गुजरा, सूर्य मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है, और विशालकाय तारा कौन सा है, ये है, इसके निकट से क्या हो रहा है भाई, वह गुजर रहा है, ठीक है, काफी निकट से गुजरा, जिसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य के असंख्य, जिसकी आकर्षण शक्ति जो होती है ना, एक दूसरे जिससे पृथ्वी होती है अपने उधर खींचती है, तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, इसी प्रकार से तारा भी क्या हो रहा था, अपनी ओर आकर्षण शक्ति, आकर्षण बल लगा रहा था। इसके कारण क्या हुआ, शक्ति के रूप में सूर्य से असंख्य छोटे छोटे कण, एक ज्वाला के रूप में छोटे छोटे कण क्या हुआ, जब इसकी आकर्षण शक्ति बढ़ी, ये पास आता रहा और आकर्षण शक्ति बढ़ती रही, तो सूर्य से क्या हुआ, छोटे छोटे कणों में सूर्य था वो डिवाइड हो गया, तो सूर्य से छोटे छोटे कण एक ज्वाला के रूप में अलग हो गए। इस कणों को चैम्बरलिन ने क्या कहा, ग्रहाणु कहा, कि जब ये छोटा बड़ा तारा था, विशाल तारा था, जब ये छोटे से सूर्य के समीप से गुजरा, तो यहां सूर्य के कैसे हुए, असंख्य छोटे छोटे, असंख्य छोटे छोटे ज्वाला के रूप में अलग हो गए, क्या कड़ कड़ अलग हो गए सूर्य के। फिर कह रहा है इन ग्रहों को, इन कणों को क्या कहा चैम्बरलिन ने, ग्रहाणु कहा, इसीलिए इनकी ग्रहाणु परिकल्पना है, ठीक है, ग्रहाणु कहा। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्या है, आगे की बात करते हैं, अभी हम देखेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इन ग्रहाणुओं में कुछ बड़े कण भी थे, इन ग्रहाणु जो थे उनमें क्या थे, कुछ बड़े कण भी थे, भारी ग्रहों से, भारी ग्रहों के नाभिक जो हो जाते हैं, जो बड़े कण थे वो क्या बने, ग्रह बने, ग्रहों के नाभिक बने, ग्रहों के क्या बने, नाभिक बने, और बड़े अणुओं के चारों, बड़े अणु जो थे उनके चारों ओर छोटे छोटे ग्रहाणु एकत्रित होने से बने पिंड, क्या बने, पिंड बने, बा उपग्रह कहलाए, बे क्या कहलाए, बे होगा बा नहीं होगा, बे उपग्रह कहलाए, ठीक है भाई। तो बात करते हैं जो बड़े थे,
जो बड़े कण थे वो नाभिक कहलाए, मतलब ग्रह बने। वह क्या बने? ग्रह बने। और जो छोटे थे, बड़े अणुओं के चारों ओर जो घूम रहे थे, जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे, वो एकत्र होने से क्या बने? पिंड। और पिंड को क्या कह रहे हैं? उपग्रह कहलाए। जो नाभिक थे वह ग्रह कहलाए, पिंड जो थे वो उपग्रह कहलाए। ठीक है, तो बात करते हैं इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य द्वारा अलग हुए पदार्थ से हुई है। फिर देखा है, संपूर्ण ग्रहों का कुल भार सौर मंडल के भार का 1/700 भाग है। ध्यान रखना, संपूर्ण ग्रहों का कुल भार सौर मंडल के भार का 1/700 भाग, 700 में से एक भाग है। ये कह रहा है यह तथ्य इस सिद्धांत के अनुकूल है और पुष्टि भी करता है शीतल व ठोस ग्रहाणुओं के टकराने व एकत्रित होने से ग्रहों व पृथ्वी की उत्पत्ति। आगे देखते हैं, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, रुकिएगा, कहां पहुंच गए? पृथ्वी की उत्पत्ति मानकर इन्हें आरंभिक अवस्था में ठंडा व ठोस माना गया, जो कि पृथ्वी की रचना के अनुकूल है। कैसा है सूर्य? कैसा है इस समय? ठोस है। सूर्य कैसा है? ठोस। ये तारा भी कैसा है? ठोस। पास में आया, सूर्य से कण क्या हुए? देखो, दूर हो गए। सूर्य से कण जो थे वो कैसे हो गए? दूर हो गए। इनसे क्या बने? ग्रहाणु बने, बड़े जो नाभिक बने और अणु बने, है ना, नाभिक बने और ग्रहाणु बने, इनसे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, मगर सूर्य कैसा है? ठोस। तो यहां पर कह रहा है, तो ये भी कैसे हुए होंगे? ठोस ही हुए होंगे, मगर ऐसे जो है ठोस, ठंडा तो ठोस माना गया है, जो कि पृथ्वी की संरचना के अनुकूल है। मगर हमें इतना पता है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो कैसा था भाई? तरल अवस्था में थी पृथ्वी। पृथ्वी कैसे थी? तरल अवस्था में थी। तरल अवस्था से ही क्या हुआ है? पृथ्वी का विकास हुआ है। मगर यहां कह रहा है ठंडा और ठोस से माना गया है, तो यह परिकल्पना में एक प्रकार से दोष हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे इसकी आलोचनाओं के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी थोड़े से चित्र के अनुसार देख लेते हैं, चित्र में क्या देखता है। ठीक है, आपके सामने है, मैंने जो बनाया है वही हो जाता है। तो बात करते हैं, ये विशाल काय तारा है। ये कैसा है? ये एक विशाल काय तारा है, बहुत बड़ा तारा था, कह सकते हैं इतना बड़ा तारा था। ठीक है, बहुत बड़ा, ये थोड़ा सा दे रखा है, विशाल काय तारा है। और सूरज कितना है? देखो कितना छोटा सा दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के समीप से जो गुजरा, इसकी कोई ना कोई क्या होगा? एक परिक्रमा करता होगा ये भी सूर्य की फिर तो। ठीक है, अब परिक्रमा सूर्य की करता होगा तो सूर्य के समीप से तभी तो गुजरेगा। बिल्कुल, कोई दिन आया जो सूर्य के समीप से गुजरा, इन्होंने ये बताया। जब ये सूर्य के समीप से गुजरा तो यहां पर ये क्या हुआ? आकर्षण बल लगा। क्या लगा? क्योंकि जब बड़ी चीज है और इधर छोटी चीज है तो छोटी चीज को क्या करेगा? आकर्षण करेगा, है ना। ये अपने केंद्र से आकर्षण किया तो यहां से क्या हुए? छोटे छोटे कण जो थे वो कहां की ओर गए? इधर की ओर अलग हो गए। सूर्य से क्या हो गए? अलग हो गए। और ये तारा अपनी दिशा से गुजरता हुआ चला गया अपनी परिक्रमा में और ग्रहों का यहां पर निर्माण हुआ। और कुछ छोटे छोटे कण जो थे वो इन ग्रहों के चारों ओर घूमने लगे, इनसे, इन्हें ग्रहाणु कहते हैं, इनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ, यहां पर ये बता रखा है। ठीक है, अब इनकी देखेंगे आलोचनाओं के बारे में, कैंपबेल तथा मोल्टन की परिकल्पना। अब देखेंगे आलोचना कौन कौन सी हो जाती है। तो बात करते हैं आलोचना, जो इसमें कमियां पाई गई वो हो जाता है, पहली, ग्रहाणुओं के आपसी टकराव से वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ग्रहणों के आपसी टकराव से वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि या तो ताप वृद्धि होती के साथ गैस बन जानी चाहिए थी, ताप में वृद्धि होती। एक बात बताइएगा, जब कोई बड़ा ग्रह एक छोटे से सूर्य के ग्रह के समीप जाएगा तो इसका ताप बढ़ेगा ना, यहां पर ताप बढ़ना चाहिए था और गैसें बननी चाहिए थी। क्या गैसें बननी चाहिए थी? और जो अगर गैसें नहीं भी बनती तो दोनों का घर्षण होता और क्या होती? धूल बननी चाहिए थी। क्या धूल? तो वही कह रहा है कि या तो गैसें बन जानी चाहिए थी और या तो खंडित होकर धूल के रूप में बिखर जानी थी। तो यह हमारी एक आलोचना हो जाती है इनसे, मगर निर्माण किसका हुआ? ग्रहों का। होना चाहिए था धूल और गैसों का। तो यह एक आलोचना यहां पर हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैम्फर ने इस परिकल्पना को निरंतर त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि थोड़ी मात्रा में सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ गैस अथवा बाष्प में घनीभूत होकर ग्रहाणु तथा अंत में जाकर इतने बड़े ग्रह कैसे बन सकते हैं?
इतने बड़े ग्रह कैसे बन सकते हैं, ये यहां पर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां तो घर्षण हुआ था, छोटे छोटे कण निकले थे, ठीक है, मगर घनीभूत होकर ग्रह वह कैसे बन सकते हैं जब वो ठंडे हैं और ठोस अवस्था में है तब, ठीक है, तो ग्रह इकट्ठे नहीं होंगे, ग्रहाणु इकट्ठे नहीं होंगे, ना ही नाभिक बनेगा और ना ही ग्रह का निर्माण होगा। तो यहां पर एक ये त्रुटि मानी गई, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाला कह रहा है, सूर्य में अधिक द्रव्यमान होते हुए भी कोणीय संवेग बहुत कम है। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग कोणीय संवेग, है ना। तो बात करते हैं जो संवेग हो जाए कोणीय संवेग, ठीक है, मतलब सॉरी, सूर्य में अधिक द्रव्यमान होते हुए भी जो उसका कोणीय संवेग है वो बहुत कम है, तथा जबकि ग्रहों में इनका जो अधिक कोणीय संवेग कहां से आया, मतलब सूर्य का जो कोणीय संवेग है वो कम है, ग्रहों का जो कोणीय संवेग है वो ज्यादा है, निर्माण एक ही से हुआ तो दोनों का अलग अलग कोणीय संवेग क्यों हुआ, ग्रहों में ज्यादा हुआ और सूर्य में कम क्यों है। एक त्रुटि यहां पर यह देखने को मिलती है, जबकि सूर्य के द्वारा निकला पदार्थ ही ग्रहों के निर्माण में काम आया। जब दोनों का निर्माण एक से ही हुआ है तो दोनों का कोणीय संवेग समान होना चाहिए था, यह नहीं कि दोनों का अलग अलग है, क्योंकि ग्रहों का ज्यादा होता है और सूर्य का कम होता है। तो यहां पर यह आलोचना देखने को मिली। फोर की बात करने रखा है, परस्पर टकराहट द्वारा उत्पन्न ग्रहों की परिक्रमा पथ वृत्ताकार ना होकर लंबा अंडाकार होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, लंबा व अंडाकार होना चाहिए था। एक हमारी ये आलोचना यहां पर हो जाती है, बिल्कुल इजी है, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा, सिक्स, मैंने फोर वाली क्यों काट दी है, क्योंकि वह परिकल्पना समझ में आपको नहीं आती, तो जो समझ में नहीं आए उसको पढ़ना ही बेकार है, है ना। आगे देखिएगा, फिर देखा, इस परिकल्पना अनुसार पृथ्वी प्रारंभ से ही ठोस अवस्था में रही है, किंतु जो आधुनिक अपने वैज्ञानिक हैं, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उनके तथ्यों के अनुसार पृथ्वी का आरंभ जो हुआ है कैसे हुआ है, तरल अवस्था से हुआ है। तो पहले हमने देखा था यहां पर ठोस और ठंडी थी, मगर पृथ्वी का आरंभ तो तरल अवस्था से हुआ है और गर्म अवस्था से हुआ है, तो यहां पर एक तो त्रुटि ये हो जाती है अपनी, ठीक है, आलोचना हो जाती है। बात करते हैं ये देखो, अब देखते हैं आगे की ओर, ठीक है, हमने छह देख लिए, चार ही चार आपको लिखनी आलोचना है, ज्यादा मत लिखना, चार लिख देना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं सेकंड, अब यहां पर सेकंड देखेंगे कौन सी हो जाती है परिकल्पना, यह दी है जींस और जैम्परे की ज्वारीय परिकल्पना। किसकी देखेंगे, जींस तथा जैम्परे की ज्वारीय परिकल्पना, जो आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकती है, लॉन्ग में आएगी तब भी आपको देखने को मिल सकती है। तीनों परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो हो जाती है जींस तथा जैम्परे की ज्वारीय परिकल्पना, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपनी हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको देख लेते हैं, है एक ही क्वेश्चन मगर परिकल्पनाएं तीन दे रखी हैं इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं, इसको देखते हैं, जींस तथा जैम्परे की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय मतलब क्यों आया, मतलब ज्वार से ही उत्पन्न हुई होगी, है ना, मतलब ज्वार उठा होगा सूर्य के अंदर और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, यही तो बात होगी जब ज्वारीय परिकल्पना। वहां ग्रहाणु की बात हुई तो कण टूटे, यहां पर किसकी बात है, ज्वारीय की बात है, तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, ज्वार उत्पन्न होगा। देखते हैं, तो बात करते हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक, ये कहां के थे, ब्रिटिश के। लैपलास कहां के थे, फ्रांसिस गणतज्ञ थे, और ये कहां के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। और ये कहां के हो जाते हैं, जींस और जैम्परे, ये हो जाते हैं अपने ब्रिटिश। तो ब्रिटिश विद्वान जेम्स जींस ने 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। आगे चलकर 1928 में जैम्परे नामक विद्वान ने इनमें कुछ संशोधन किया, इनमें क्या किया, कुछ संशोधन किया, क्योंकि जेम्स और जींस वाली देख ली, ठीक है, अब हम देखेंगे जींस वाली की, ठीक है, जींस और जैम्परे वाली। तो इन्होंने कुछ संशोधन किए 1928 में, कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के समीप से होकर गुजरा, वहां पर भी सूर्य के समीप से होकर गुजर रहा था एक तारा, और यहां पर भी क्या होगा, बहुत विशाल तारा एक सूर्य के समीप से क्या होगा, गुजरेगा। तो कह रहा है सूर्य के समीप से होकर गुजरा, उससे सूर्य उस समय, सूर्य क्या था, कैसा था उस समय, गैस का एक विशाल तप्त पिंड था। अब ये कह रहा है कैसा था, गैस का एक विशाल तप्त पिंड था। फिर देखा है, इस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य में ज्वार उठा,
ज्वार कब उठेगा, जब तरल अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ज्वार उठा था, तारा जैसे जैसे अपनी गति तथा चाल के अनुसार सूर्य के पास आता गया। अब ये जैसे जैसे अपनी गति इसकी होगी, इस प्रकार गुजरता होगा, परिक्रमा करता होगा। तो ये तो जब कभी यहां कहीं आया होगा, ये पिंड यहां कहीं आया मान लेते हैं, इसके समीप आ रहा था। ठीक है, कहां पहुंच गए थे, हाँ, जैसे जैसे अपनी गति तथा चाल के अनुसार सूर्य के पास आता गया, तो सूर्य से वैसे वैसे ज्वार भी अधिक उठने लगा। ज्वार कैसे उठने लगा, अधिक उठने लगा, तारे के बहुत निकट आने पर सूर्य में ज्वार बहुत, सूर्य में ज्वार हुआ, सॉरी, सूर्य में उभार हुआ, सूर्य में क्या हुआ, उभार हुआ ज्वारीय भाग, उभरा हुआ, सॉरी, उभरा हुआ ज्वारीय भाग है ना, जो उभरा हुआ ज्वारीय भाग है, आगे हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, जो उभरा हुआ ज्वारीय भाग जो था, यहां पर कुछ कट रखा है, देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पर कुछ काट रखा है, अभी दुखिएगा, लग रहा है मुझे कटा हुआ है। ठीक है, तो इससे पृथक हो गया, इससे क्या हुआ, जो ज्वारीय भाग था वो क्या हो गया, उससे पृथक हो गया, किससे, सूर्य से। सूर्य में जो तारे खमी पाया और सूर्य में क्या हुआ, ज्वारीय भाग मतलब उभार हुआ, और ज्वार क्या हुआ, उससे अलग हो गया। वही कह रहा है, इससे पृथक हो गया, उभरा हुआ जो भाग था, ये देखिएगा, यहां पर जो तारा था वो इसके समीप आ रहा है, यहां पर दूर है, मगर यहां कहीं जब आया होगा, यहां पर आया तो ये देखो थोड़ा सा उभार हुआ, कह रहा ना, उभार हुआ ज्वार के कण। उसके बाद यहां देखो, यहां पर थोड़ा ज्यादा हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, थोड़ा ज्यादा हुआ है। फिर देखिएगा, यहां पर देखो कितना हो गया, यहां पर उभार देखो कितना हो गया ज्वार के कण। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे देखो, यहां पर ये देखो, यहां पर थोड़ा इससे अलग हो गया, ये थोड़ा हुआ जो भाग था, उभरा हुआ भाग, ये अलग हो गया, वही यहां पर देखेंगे। तो इससे पृथक हो गया, देखो इससे पृथक हो गया ना सूर्य से, सूर्य ये है, तारा ये है, ज्वार आकर्षण हुआ, और इससे जो उभरा हुआ भाग था वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो कह रहा है पृथक हो गया, यहां तक मैं देख लिया बिल्कुल, आगे कटा हुआ है कुछ, रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिएगा, कुछ तो है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। कह रहा है साथ ही जिस दिशा की ओर तारा है ना, साथ ही जिस दिशा की ओर, ठीक है, तारा जिस दिशा की ओर तारा बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया, वैसे ही, अब यहां से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है उससे पृथक हो गया, देखो यहां पर क्या हुआ, सूर्य से हो गया उभरा हुआ भाग पृथक, मतलब अलग हो गया। साथ ही जिस दिशा की ओर तारा बढ़ता गया, वैसे ही ज्वारीय पदार्थ भी उस ओर अग्रसित होता गया। देखिए कहां पर था, कहां पर था, यहां पर था, फिर और बढ़ा, फिर ये इस तारे की ओर अग्रसित होता गया। ठीक है, अग्रसित होता गया तारे से सूर्य से काफी दूर जाने पर, तारे के सूर्य से काफी दूर जाने पर उसकी आकर्षण जो शक्ति थी वो कम होती गई। जब ये तारा यहां से दूर चला जाएगा, मतलब अब यहां पर था तो पृथक हुआ, अब यहां पर आ गया, ठीक है, तो मतलब शक्ति कम होती गई तारे की, जिससे सूर्य से निकला हुआ पदार्थ ना तो तारे के पीछे जा सका, ना तो तारे के पीछे जा सका, और ना ही आकर्षण शक्ति के अनुसार सूर्य में ही वापस आकर मिल सका, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा। अब ये यहां पर पृथक हो जाएगा, अलग हो गया, अब ये क्या करेगा, ये भी अपनी परिक्रमा करता रहेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, चक्कर काटने लगा, एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ तारे के आकर्षण के कारण पदार्थ की आकृति सिरों पर नुकीली, जो पदार्थ था उसकी आकृति जो सिरों पर है, यहां देखो, ये देखो नुकीली और ये देखो नुकीली, नुकी था बीच में मोटी सिगार के रूप में हो गई, इस प्रकार से तो हो गई बिल्कुल, यहां पर नीचे यहां पर पतली और ये देखो बीच में सिगार की तरह, कह रहा है सिगार के रूप में हो गई, धीरे धीरे ठंडी होकर यह आकृति गोलाकार रूप में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे यह आकृति जो थी वो क्या हो गई, गोलाकार के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, फिर दे रखा है इस गोलाकार आकृति से विभिन्न खंडों का रूप धारण कर लिया, यह जो गोलाकृति थी यहां पर, इनमें क्या हुए, देखो बहुत सारे खंडों के रूप में ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न खंडों के रूप में कर लिया तथा बाद में यह
खंड घनीभूत होकर ग्रहों के रूप में जाने गए। तो यहां पर कह रहा है बाद में ठंडे हुए और ग्रह के रूप में जाने लगे। ठीक है, तो यहां पर 8 ग्रह हो जाते हैं। कह रहा है ठीक उसी प्रकार सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। सूर्य की आकर्षण शक्ति हुई और इससे क्या हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ग्रहों के बिल्कुल ज्वारीय पदार्थ से बनने वाले घनीभूत आंशिक भाग इतने छोटे हो गए कि अपकेंद्रीय आकर्षण की शक्ति के कारण अपने को एक रूप ना कर सके। मतलब जो अलग अलग जो पिंड हुए थे, जो अलग अलग जो पिंड थे वो घनीभूत होकर वहीं पर अलग अलग और गोल रूप धारण कर लिए, ये इकट्ठे ना हो पाए। ठीक है, ये दे रखा है। देखो ज्वारीय पदार्थ से बनने वाले घनीभूत आंशिक भाग इतने छोटे हो गए कि केंद्रीय आकर्षण की शक्ति के कारण अपने को एक दूसरे में ना मिला सके। ऐसी स्थिति में ग्रहों से उपग्रह बनना बंद हो गए। उसके बाद जो ग्रहों से उपग्रह बनने थे वो यहां पर बंद हो गए। जो क्रिया हुई वहीं तक चली। उसके बाद जब वे छोटे तक केंद्रीय आकर्षण बल के कारण इनका जो ग्रहों का निर्माण था वो वहां पर बंद हो गया। ठीक है, अब देखो आगे की ओर। फिर देखा है जिन्स की ज्वारीय परिकल्पना अन्य परिकल्पनाओं की अपेक्षा अधिक मान्य रही। इसके अनेक कारण थे। यदि सौर मंडल के ग्रहों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली आकृति मध्य में मोटी तथा किनारों पर संकरी होगी। यह सिगारनुमा आकृति की पुष्टि करती है। यह सिगार नुमा, क्योंकि बृहस्पति से बड़ा होता है तो बीच में, यहां पर बुध, यहां पर वरुण सब छोटा होता है ना, तो वही आकृति सिगार नुमा बन जाती है। तो वही रेखा यहां पर। फिर देखा है जिन ग्रहों के अनेक उपग्रह हैं वे भारी इस प्रकार व्यवस्थित हैं, भार वे भी इस प्रकार व्यवस्थित हैं, यम ग्रह की खोज के बाद हुई थी, किंतु इसके छोटे आकार ने परिकल्पना को और पुष्टि दिया। क्योंकि बाद में जो लास्ट हुआ है यम वाला, है ना, यम जो हुआ है वो बहुत छोटा था, तो इसलिए इसको और पुष्टि मिल गई कि हाँ ये परिक्रमा, ज्वारी परिक्रमा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक प्रकार से पुष्टि किया गया कि हाँ ये परिक्रमा एक प्रकार से सही हो सकती है। फिर बात करते हैं सभी ग्रहों की अपनी कक्षा में सूर्य की ओर झुकाव शुरू की और सूर्य की ओर क्या कह रहा है कक्षा में सूर्य की ओर झुकाव सूर्य की ओर आकर्षण शक्ति के प्रभाव को दर्शाता है। तो यहां पर वो 6 डिग्री की बात हो गई। ठीक है, बात करते हैं आगे। लग तो रहा है 6 डिग्री बात हुई है यहां पर। ठीक है, कोई झुकाव वहां पर देखने को मिला है। फिर बात करते हैं कहां पर पहुंच गए थे, झुकाव सूर्य की ओर आकर शक्ति के प्रभाव को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात करते हैं। अब देखते हैं इनकी आलोचना। अब क्या देखते हैं, झुकाव की बात यहां पर हो चुकी है, अब हम क्या देखेंगे, आलोचना देखेंगे, इसमें कौन कौन सी कमियां भी देखने को मिली हैं। तो भाई कोई भी हो परिकल्पना, कमियां तो भाई निकालने में सब लोग माहिर ही होते हैं ना, तो यहां पर आलोचना देख लेते हैं। तो बात करते हैं अनेक विशेषताओं के उपरांत भी इस परिकल्पना में काफी कमियां थी। इसके प्रमुख निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हैं। तो फर्स्ट कमी देख सकते हैं, फर्स्ट आलोचना कौन सी है, ये हो जाती है अंतरिक्ष के तारों की आपसी दूरियां इतनी अधिक हैं कि तारे एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते हैं। भाई जो अंतरिक्ष के तारे हैं उनकी दूरियां इतनी हैं, इनकी परिक्रमा ऐसी है ही नहीं, जो तारे के सूर्य तारा जो है, बड़ा तारा, विशाल तारा है, वो कभी सूर्य के निकट आए। अगर सूर्य के निकट आता होता तो अब तक क्या हुआ होता, अब तक और भी ग्रहों का निर्माण हुआ होता और वह परिक्रमा करते हुए फिर सूर्य के निकट से गुजरता और सूर्य में फिर ज्वार उत्पन्न होता, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और ना ही अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है। तो यहां पर एक कमी यह दर्शाई गई, क्योंकि बहुत दूर है, पास में नहीं आ सकता तारा। आगे देखिएगा, फिर देखा परिस्थितिकी के गणितज्ञ आंकलन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सूर्य एवं ग्रहों के मध्य कि इतनी अधिक दूरियों की औचित्य नहीं है। वही बात कही गई जो हमने भी आपको बताई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखा है थर्ड को देखते हैं। थर्ड अपना कह रखा है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से अलग हुए उष्ण गैसीय भाग, जो सूर्य से अलग हुए थे उष्ण गैसीय भाग का शीतल होकर
शीतल होकर ग्रह बनना संभव नहीं है। जो उष्ण गैसीय भाग जो शीतल मतलब सूर्य से अलग हुआ है तो उसको शीतल होकर भाई क्या बनना, शीतल होकर ग्रह बनना संभव नहीं है, बल्कि इतना गर्म पदार्थ तो अंतरिक्ष में मिल जाना चाहिए था, इतना गर्म पदार्थ तो अंतरिक्ष में मिल जाना चाहिए था और ग्रहों का निर्माण और भी हो जाता। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं रसेले का, तो रसेल है, रसेल का कहना, अब रसेल ने क्या कहा, कौन सी त्रुटि की इनको देख लो, कि यदि इस परिकल्पना से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है तो इसका आकाश में फैलाव इतना नहीं हो सकता, तो इसका आकाश में इतना फैलाव नहीं हो सकता, दूर दूर यह नहीं हो सकते, ठीक है, ये दे रखा है। यहां पर बात करते हैं सूर्य में ज्वार उत्पन्न करने वाला तारा कहां चला गया, जो तारा आया था इसके पास वो चला कहां गया, परिभ्रमण करते हुए पुनः सूर्य के निकट आता और फिर ग्रहों का निर्माण होता, फिर ज्वारीय उत्पन्न होता, ठीक है, तो वह तारा गया कहां, ये दे रखा है यहां पर एक त्रुटि। आगे देखते हैं ग्रहों के कोणीय संवेग का अधिक होना भी इस परिकल्पना द्वारा निष्पष्ट नहीं है, तो कोणीय संवेग का अधिक होना भी इस परिकल्पना से संतुष्ट नहीं हुआ है कि सूर्य का जो कोणीय संवेग होता है वो कम होता है, ग्रहों का कोणीय संवेग ज्यादा होता है, तो इससे पुष्टि नहीं हो पाई। तो यहां पर आपको दी गई 6 कमियां, आपको 4 आलोचनाएं तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, 4 आलोचनाएं यहां पर लिखना ही लिखना है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होता है वो यहाँ पर होता है खत्म। बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा, एक प्रकार से हमने डिस्कस किया और हमें याद भी हो गया सारा की सारा, हमने अपने देख भी लिया होगा, तो अब आराम से आप लिख सकते हो कि सबसे पहले लॉपलॉस की आई थी, फिर आई थी किसकी, सबसे पहले आई थी लॉपलॉस की, है ना, बिल्कुल सबसे पहले लाप्लास की आई थी, इसमें क्या हुआ था निहारिका से हुआ था, मतलब एक तारक परिकल्पना थी। सेकंड में हमने देखा चैम्बरलिन के अनुसार, चैम्बर और मोल्टन, उसमें क्या था विशाल तारा आया, घर्षण हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। और बात करते हैं जिन्स और जैम्परे की ज्वारीय परिकल्पना जो हो जाती है, जिन्स और जैम्परे की ज्वारीय परिकल्पना जो हो जाती है, उसमें हमने क्या देखा, इस बहुत बड़ा तारा सूर्य के निकट से गुजरा और सूर्य में क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हुआ और उससे अलग और ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, यूनिट सेकंड हमारी यहां पे समझ सकते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तो कल हम देखेंगे यूनिट, इसके हम शॉर्ट देख लेंगे शॉर्ट, ठीक है, कल हम क्या करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, 2 से 3 और कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो यहीं मिलेगी, प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी आज, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसमें दोनों वीडियो आपको पड़ जाएंगी, और जिसे नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो वो देख लेना, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलने वाला है और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सारे कवर हो जाएंगे उसी में। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।